जय भारत एंड हेलो डियर एजुकेशंस। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स पोर्शन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नाउ फ्रेंड्स, इस चैप्टर के 15 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, मिरर्स एंड लेंसेज के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज, एंड हम डिस्कस करने वाले हैं सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, हमने मिरर के केस में भी डिस्कस किया था कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। सो चलिए वो सेम चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट द रेशियो ऑफ, रेशियो मिलता है हमें यहाँ पे, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। फ्रेंड्स, ये सेम डेफिनेशन हमने डिस्कस किया था मिरर के केस में, कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? उसका फॉर्मूला बनेगा दैट मैग्निफिकेशन एम, हम जानते हैं फ्रेंड्स जो मैग्निफिकेशन होता है उसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। सो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एच डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच। ओके, सो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमें हमारे ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिल रहा है, वो इमेज का हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में किस तरीके से है, उससे ज्यादा है, उससे कम है, वो हमें इस रेशियो से पता चल जाएगा। बहुत सिंपल चीज है फ्रेंड्स, अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि हमारा इमेज जो है उसका हाइट क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट के हाइट से ज्यादा है। ओके, तो ये फॉर्मूला से हमें हमारा जो इमेज मिल रहा है वो कितना मैग्निफाई मिल रहा है, मतलब कि उसका साइज जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में किस तरीके से मिल रहा है, वो हमें मैग्निफिकेशन से पता चलता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, मिरर के केस में हमने क्या किया था कि हमारा जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, उसी फॉर्मूला से हमने, या फिर जो हमारा मैग्निफिकेशन है बेसिकली उसका हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया था फॉर मिरर्स, और उसमें हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस जो होता है उसके रेशियो के फॉर्म में हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनाया था। तो वो सेम चीज़ अगर हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं लेंसेज के बारे में, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लेंसेज होते हैं उनके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये फिगर तो याद ही होगा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है। हमें एक फॉर्मूला मिला था फ्रेंड्स, कौन सा फॉर्मूला था, 1/v - 1/u = 1/f। तो ये जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स वो हमने इस फिगर से डिराइव किया था। ओके, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है उसका नेम जो है वो है ए बी, समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो है ए बी। ओके, ऑब्जेक्ट तो हमने बियॉन्ड सी या फिर बियॉन्ड 2f रखा हुआ है, तो हमें उसका इमेज कहाँ मिलेगा, बिटवीन f एंड c ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ लेंस। ओके, तो ये जो इमेज है उसका ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, ए डैश होगा, और ये पॉइंट जो होगा वो बी डैश होगा। ये सेम चीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, और ये जो फ्रेंड्स रेड पार्ट है वो क्या है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ओ है। ओके, तो ये फिगर का यूज करके हमने फ्रेंड्स लेंस फॉर्मूला डिराइव किया था। अब इसी फिगर का यूज करके हम मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे, तो आपको याद होगा फ्रेंड्स कि हमने जब ये फिगर फॉर्म किया था उसके बाद हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड किए थे। ओके, तो हमारा फर्स्ट जो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो पैर थी वो कौन सी थी, तो हमने लिखा था फ्रेंड्स दैट ट्राइंगल, देखिए यहाँ पे ट्राइंगल ए बी ओ, ये जो येलो पार्ट है, ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। ओके, वो दोनों क्या होंगे, पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, तो जब सिमिलर ट्राइंगल की हमें एक पैर मिल रही है फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमें एक यहां पे रेशियो मिलता है। रेशियो क्या बनेगा, रेशियो ये बनेगा दैट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ये जो ट्राइंगल है उसका क्या होगा, ओ बी डैश होगा उसमें से। ओके, सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी होगा, ओ बी ये वाला होगा, क्लियर। अच्छा, अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो ए डैश बी डैश है वो क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ए बी है वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा हाइट ऑफ इमेज होता है उसको हम एच डैश से डिनोट करते हैं,
और हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम कैपिटल सॉरी स्मॉल एच से डिनोट करते हैं. ओके तो ए बी क्या होगा अगर हम यहां पे लिखेंगे तो ए बी क्या होगा, ए बी होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच, ए डैश बी डैश क्या होगा हाइट ऑफ इमेज दैट इज एच डैश. ओके अब ओ बी क्या होगा, हमने यहां पे लिखा है ओ बी डैश अपॉन ओ बी, चलिए पहले वो देखते हैं कि ओ बी जो है वो क्या होगा, ओ टू बी ये क्या होगा. तो हम जानते हैं फ्रेंड्स ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू. ओके एंड ओ बी डैश क्या होगा, ओ बी डैश मतलब हमारा ऑप्टिकल सेंटर ओ से हमारे इमेज तक का जो डिस्टेंस उसको हम क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस वी. ओके अब यहां पे फ्रेंड्स हमने लास्ट लेक्चर में कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी हमने डिस्कस कर लिया था, तो वो जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है फ्रेंड्स वो हमें अब यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा. तो ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच. अब एच जो है वो कहां पे है, तो हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर की तरफ है, मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अंदर है. ओके हमारा ऑप्टिकल सेंटर जो है वो अगर ओरिजिन है तो वहां से ऊपर के जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. तो क्योंकि हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो एच का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ओके नेक्स्ट ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज दैट इज एच डैश. अब एच डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और वो कहां पे है, ऑप्टिकल सेंटर से नीचे की तरफ है. तो ऑप्टिकल सेंटर से नीचे वाला जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे, इसलिए एच डैश का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. नेक्स्ट ओबी क्या है, ओबी इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओके और हम जानते हैं फ्रेंड्स कि यू का वैल्यू लेंस हो या मिरर हो, यू का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव ही होगा. तो यहां पे बिना देखे हम लिख देंगे यू का वैल्यू नेगेटिव. ओके हाँ अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है इस साइड के ऊपर तो आपको वहां पे यू का वैल्यू पॉजिटिव लेना पड़ेगा, लेकिन जनरली हम ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलवेज लेंस हो या फिर मिरर हो उसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रखते हैं, इसलिए यू का वैल्यू क्या आएगा, ऑलवेज नेगेटिव आएगा. अब ओ बी डैश क्या है तो वो है हमारा इमेज डिस्टेंस, और क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर से उस साइड की तरफ है, मतलब कि राइट हैंड साइड के ऊपर है, इसलिए उसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. ओके तो फ्रेंड्स ये जो सारी वैल्यूज हैं उसको हम यहाँ पुट कर देंगे. ओके तो क्या होगा, सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश कितना है, माइनस एच डैश अपॉन ए बी, का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू हमें गिवन है एच इज इक्वल टू ओ बी डैश कितना मिला हमें, माइनस सॉरी प्लस वी, सो प्लस वी अपॉन ओ बी कितना है, माइनस यू, तो यहां लिखेंगे माइनस यू. ओके नाउ फ्रेंड्स हमारे पास ये फॉर्मूला है दैट जो मैग्निफिकेशन हमने अभी डिस्कस किया कि जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश अपॉन एच. ओके अच्छा तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, दोनों साइड में माइनस है फ्रेंड्स तो वो निकल जाएगा. सो क्या आएगा, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू. अब ये एच डैश अपॉन एच जो है फ्रेंड्स वो क्या है, एम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच डैश अपॉन एच जगह पे लिखेंगे एम, सो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू. डन तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें मैग्निफिकेशन का लेंस के केस में फॉर्मूला मिल गया है दैट इज वी अपॉन यू. अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात आपको बहुत क्लियरली समझनी है कि जब हम बात करते हैं मिरर्स की, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं मिरर्स की. ओके क्योंकि यहाँ इसमें स्टूडेंट्स को क्या होता है, कन्फ्यूजन रहता है, और कई बार जब बहुत सारे चैप्टर्स कंबाइन हो जाता है ना तो उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल करते वक्त यहाँ पे बच्चे जो है गलती करते हैं. अगर मिरर के केस में बात करते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला वो क्या बनता है, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ. लेकिन अगर हम बात करते हैं लेंस की तो उसके लिए हमें लेंस फॉर्मूला क्या मिलता है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ. तो यहां पे आप देखिए फ्रेंड्स की जो मिरर है उसके केस में यहां पे प्लस का साइन आ रहा है बीच में, यहां पे माइनस का साइन आ रहा है. लेकिन अगर हम बात करते हैं दोनों केस में मैग्निफिकेशन की, तो मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या मिलता है हमें, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. लेकिन लेंस के केस में हमें फॉर्मूला क्या मिला है, एम इज इक्वल टू प्लस वी अपॉन यू. ओके तो ये जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स उसमें कहां पे प्लस है कहां पे माइनस है, मिरर के केस में क्या होता है, लेंस के केस में क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी. ओके तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज, और ये कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों लेंसेज के लिए ट्रू है. सो नाउ फ्रेंड्स चले डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स
हमें यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, चलिए उसका जो स्टेटमेंट है वो रीड करते हैं। क्या बताया गया है? अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ साइज ऑफ एन इमेज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, जब भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिले, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से 2 से 3 बार रीड कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और कौन से डेटा आपको गिवन है वो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको 1 मार्क में MCQ के अंदर भी पूछ सकते हैं। क्यों? यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन किए बिना भी आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। ओके, तो पहले ट्राई कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है? क्या लिखा है देखिए, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। मतलब हमें बताया गया है कि हमारे पास है एक कॉन्वेक्स लेंस, वो इमेज फॉर्म करता है रियल एंड इन्वर्टेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। मतलब हमें ये बताया गया है कि इमेज डिस्टेंस जो है वी, वो कितना है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ साइज ऑफ एन इमेज इज सेम एज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहां पे हमें बताया गया है दैट साइज ऑफ एन इमेज दैट इज एच डैश इज इक्वल टू साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज एच। तो हमें ये चीज जो है बता दी गई है। अब फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया कि विदाउट कैलकुलेशन हम इसका आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमें क्या बताया गया है, फिर से क्वेश्चन को रीड करें। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। मतलब हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस के हमारे पास टोटल 6 केस हैं। ओके, अब उसमें से एक केस ऐसा है फ्रेंड्स जिसमें हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलता है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि इमेज जो मिलता है वो रियल एंड इन्वर्टेड मिलता है। मतलब जो बाकी के 5 केसेस है, फर्स्ट 5 केसेस जो है उसमें से एक का यहाँ पे आंसर हमारा होगा, फर्स्ट चीज। सेकेंड, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो हमें वी मिल गया है 40 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि हमें यहाँ पे यू का वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। इफ साइज ऑफ एन इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात को समझिए कि जो बाकी के 5 केसेस बचे हैं हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस के, वो 5 केसेस के अंदर से कौन सा केस ऐसा है जिसमें हमें इमेज का हाइट एंड ऑब्जेक्ट का हाइट सेम मिलता है। हमें यहाँ पे ये चीज नोट करनी है कि जो कॉन्वेक्स लेंस के 5 केसेस बचे हैं उसमें से किस केस में ऑब्जेक्ट का हाइट एंड इमेज का हाइट सेम होता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को एट सी या फिर एट 2F के ऊपर रखते हैं तो हमें हमारा इमेज कहाँ मिलता है, ऑपोजिट साइड के ऊपर मिलता है, 2F के ऊपर। ओके, अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पॉइंट अगर यहाँ पे 2F है, तो यहाँ पे अगर हमने हमारा ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो यहाँ से मान लीजिए ये जो है पॉइंट वो भी 2F है, तो हमें पता है कि हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे ही मिलता है इस तरीके से। ये हो गया हमारा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और ये हाइट अगर h है और ये हाइट अगर h डैश है तो दोनों सेम है। अच्छा, तो कितने डिस्टेंस के ऊपर हमें इमेज एंड ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो हमें पता है फ्रेंड्स कि ऑप्टिकल सेंटर से 2f डिस्टेंस के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो ऑप्टिकल सेंटर से 2f डिस्टेंस के ऊपर ही हमें इमेज मिल रहा है। उसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 40 सेंटीमीटर के ऊपर है, तो लेंस के लिए, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए 2f कहाँ पे होगा, 40 सेंटीमीटर के ऊपर होगा। हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। मतलब इमेज हमें कहाँ पे मिल रहा है, 2f के ऊपर मिल रहा है, और कितना डिस्टेंस के ऊपर मिल रहा है, 40 सेंटीमीटर के ऊपर मिल रहा है। अब कॉन्वेक्स लेंस का एक ही केस ऐसा है जिसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज जो है सेम है, और उस केस में हमेशा u इक्वल टू v होता है। साइन को अगर कंसिडर ना करें तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। मतलब कि जो हमारा इमेज डिस्टेंस होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। क्लियर? लेकिन फिर भी हम फ्रेंड्स यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके ट्राई करते हैं। कैसे करेंगे? तो हमें v गिवन है और u फाइंड करना है, तो हमारे पास फ्रेंड फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। क्या फॉर्मूला है? m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h फॉर लेंसेज एंड m इज इक्वल टू v अपॉन u। तो यहाँ पे दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। क्लियर? अब हमें बताया गया है दैट h डैश एंड h जो है वो दोनों क्या है, सेम है, फर्स्ट चीज। सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड है मतलब जो हमारा
एचटेस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इनवर्टेड इमेज मिल रहा है ना, तो वो नीचे आएगा, मतलब एचटेस का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, सो एचटेस जगह पे हम लगते हैं यहां पे एच, तो क्या होगा, माइनस एच अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। अच्छा, इमेज जो हमें मिल रहा है रियल एंड इनवर्टेड मिल रहा है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो वी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे, माइनस वन एच, अब एच एच कैंसिल हो जाएंगे, सो माइनस वन इज इक्वल टू वी अपॉन यू, सो वी इज इक्वल टू माइनस यू होगा। ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम डेट यू इज इक्वल टू माइनस वी, दोनों सेम ही चीज है। अब हमें वी का वैल्यू पता है कितना है, 40 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे यू इज इक्वल टू माइनस 40 सेंटीमीटर। ओके, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यू और वी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर जो है वो राइट है या रॉन्ग है ये आपको कैसे पता चलेगा, तो हमें पता है फ्रेंड्स कि यू का वैल्यू लेंस हो या मिरर हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, यू का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव ही होगा। तो हमारा आंसर अगर यू का नेगेटिव में आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि हमारा आंसर जो है वो राइट है। क्लियर, सो नाउ फ्रेंड्स चले एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन को रीड करें, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पास है एक कॉन्वेक्स लेंस, सो द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर, द इमेज ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉट विल बी द नेचर ऑफ इमेज। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है, दैट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और उसका फोकल लेंथ जो है वो हम कितना बताया गया है, 25 सेंटीमीटर। द इमेज इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, मतलब जो हमारा इमेज है वी, वो जो लेंस होता है उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर मिल रहा है, और मिल रहा है एट 75 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट का पोजिशन फाइंड करना है, मतलब कि हमें यू का वैल्यू कितना है वो फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। सेकेंड, वॉट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर से क्या मतलब होगा, नेचर से क्या मतलब होगा, नेचर मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है या फिर वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, सो हमें यू फाइंड करना है, हमें वी गिवन है, हमें एफ गिवन है, हमारे पास लेंस फॉर्मूला है, ओके उससे हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसको फाइंड करने से पहले हमें जो साइन कन्वेंशन होता है उसको भी यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है फ्रेंड्स, उसका फोकल लेंथ क्या होता है, हमने साइन कन्वेंशन में ये डिस्कस किया था कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होता है। ओके, ये हमारा लेंस होता है, ये जो सरफेस है उसको हम सरफेस वन बोलते हैं। ओके, लाइट रे यहाँ पे सबसे पहले इंसिडेंट होगा, तो इसका जो सर्कल है वो इस साइड के ऊपर बनता है, सर्कल इस साइड के ऊपर बनता है, तो इसका सेंटर जो होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, और उसका हाफ जो होगा उसका फोकल लेंथ होगा, मतलब ये डिस्टेंस जो होगा उसका फोकल लेंथ होगा। तो ये क्योंकि लेंस की इस साइड के ऊपर है, राइट हैंड साइड के ऊपर है, तो क्या होगा, एफ का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फ्रेंड्स ये बात भी हमने पहले डिस्कस कर ली है। ओके, सो एफ का वैल्यू होगा पॉजिटिव। अच्छा, साथ में हमें क्या बताया गया है, हमें वी का वैल्यू गिवन है और बता ही दिया गया है दैट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, मतलब वी का वैल्यू क्या होगा, वो भी पॉजिटिव ही होगा। चलिए तो यू फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, ये है हमारा लेंस फॉर्मूला। जो डेटा हमें गिवन है वो यहाँ पे रख देते हैं, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन, ऐसा कर सकते हैं ना, हमें यू फाइंड करना है। ओके, तो क्या करेंगे, वन अपॉन वी का वैल्यू हमें गिवन है 75, माइनस एफ का वैल्यू हमें गिवन है 25, सो वन अपॉन 25 इज इक्वल टू वन अपॉन यू। ओके, अब हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या आएगा, 75 आएगा, कर लेते हैं फिर भी आपके लिए, यहाँ पे 25, 3 से करेंगे तो 3 25 25, सीधा 25 से भी आप कर सकते हो, 1 1 25 3 75। ओके, सो 75 1 75 25 3 75, सो 1 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन u, सो -2 अपॉन 75 इज इक्वल टू 1 अपॉन u, एंड देयरफॉर -1 अपॉन 37.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन u। रेसिप्रोकल अगर हम ले लेंगे तो क्या होगा, u इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। क्लियर,
तो हमें ये मिल गया हमारा इमेज ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे होगा, तो एट 37.5 सेंटीमीटर सेम साइड ऑफ द हमारा जो लेंस है उस साइड के ऊपर। अब हमें क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ द इमेज। नेचर कैसे फाइंड करेंगे, नेचर का मतलब हमारा क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो रियल एंड इन्वर्टेड होगा या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। रियल या फिर वर्चुअल है वो तो हम देख के मतलब जो न्यूमेरिकल है उसमें नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अगर एच डेस का वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है इरेक्ट होगा, अगर एच डेस का वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सॉरी इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारा जो एच डेस है उसको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एच डेस अपॉन एच। ओके, अब अगर दोनों पॉजिटिव है तो एम का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एच का वैल्यू जो होता है फ्रेंड्स, एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो ऑलवेज प्लस ही होता है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का सेकेंड फॉर्मूला है ना, एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू, उससे हम मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे। अगर एम का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा एच डेस जो है वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, क्योंकि एच का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है। ओके, तो चलिए ट्राई करते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे करना है। पहले हम फाइंड करेंगे मैग्निफिकेशन, सो हमें यहाँ पे यू मिल रहा है -37.5 सेंटीमीटर। अच्छा, m फाइंड करेंगे, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू, सो m इज इक्वल टू v का वैल्यू में कितना गिवन है 75, अपॉन u का वैल्यू कितना है -37.5, सो m का वैल्यू कितना होगा -2। अब m का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, अच्छा इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। m का फॉर्मूला क्या होता है, एच डेस अपॉन एच इज इक्वल टू -2, सो एच डेस जो है वो कितना आएगा -2 टाइम्स एच। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एच डेस वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। एच डेस का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है मतलब हमारा इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ओके, और अगर हमारा इमेज इन्वर्टेड है तो वो ऑलवेज रियल ही होगा। ओके, तो यहाँ से हमें बात पता चल रही है फ्रेंड्स कि नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, सो फ्रेंड्स चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन क्या बताया गया है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लेंस जो होते हैं वो दो होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो हमें ये बात तो पता है फ्रेंड्स कि अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है उसके ऊपर अगर लाइट रे इंसिडेंट होगा तो वो लाइट रे जो वहां से क्या करता है, रिफ्रैक्ट तो करता ही लेकिन वो कन्वर्ज हो रहा है। आगे चलते हुए जब आफ्टर अगर दो लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो गए ना तो दोनों लाइट रे क्या होंगे, यहाँ पे कन्वर्ज होंगे इस तरीके से। ओके, तो जब कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर दो लाइट रेस इंसिडेंट हो रहे हैं तो वो दोनों लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस, जो कन्वर्ज करता है लाइट रेस को आफ्टर रिफ्रैक्शन। एंड जब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की फ्रेंड्स, तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कॉनकेव लेंस है उसके ऊपर जब लाइट रे इंसिडेंट होंगे तो वो लाइट रे इस तरीके से चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आफ्टर रिफ्रेक्शन जो रिफ्रेक्टेड लाइट रेस है वो क्या हो रहा है, डाइवर्स हो रहे हैं। तो जो हमारा कॉनकेव लेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट लेंस। ओके, और कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। ओके, तो कई बार क्या है आपको कॉन्वेक्स से कॉनकेव लिखने की जगह पे इस तरीके से लिख दिया जाएगा दैट कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस। ओके, तो अगर हमें ये बताया गया है दैट यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है इसका मतलब क्या है, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, सो फिर से क्वेश्चन रीड करें, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, मतलब 4 सेंटीमीटर के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो हमें यहाँ पे यू का वैल्यू गिवन है दैट यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और यू का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव ही होता है। प्रोड्यूस अ रियल एंड सॉरी रियल इमेज एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब हमें वी का वैल्यू भी गिवन है कितना है 12 सेंटीमीटर। रियल इमेज है तो वो इन्वर्टेड ही होगा। ओके, और वो ऑपोजिट साइड के ऊपर ही होगा तो वी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या फाइंड करना है हमें, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, मतलब एम का वैल्यू हमें फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, एफ का वैल्यू कितना है वो भी हमें फाइंड करना है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, क्या करेंगे, पहले एम फाइंड करेंगे, तो एम का फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू, सो एम इज इक्वल टू वी का वैल्यू हमें कितना गिवन है 12 गिवन है, यू का वैल्यू होगा -4, सो एम इज इक्वल टू -3, डन। एफ का वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन वी -1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ,
सो 1/12 - 1/u यू का वैल्यू कितना गिवन है हमें 4 गिवन है -4 = 1/f ठीक है ना क्योंकि यू का वैल्यू माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे -4 सो 1/12 + 1/4 = 1/f अगेन फ्रेंड्स 12 एंड 4 का हम एलसीएम निकालेंगे क्या आएंगे अगर सीधा आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे लिखेंगे 4 यहाँ लिखेंगे 12 2 से करेंगे 2 2 4 2 6 2 1 3 3 1 1 3 2 6 2 12 ओके सो एलसीएम क्या आ रहा है हमारा 12 आ रहा है यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारा 12 12 1 12 4 3 12 सो 1 + 3 = 1/f एंड देयरफॉर 4/12 = 1/f सो 1/3 = 1/f देयरफॉर f = +3 cm कॉन्वेक्स लेंस जो है फ्रेंड्स उसका फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव आता है आपका आंसर अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर जो है वो राइट है क्लियर तो हमने मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर लिया एंड फोकल लेंथ भी फाइंड कर लिया है ओके नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन को रीड करें क्या बताया गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 7 cm फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस मतलब 7 cm के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस विच फॉर्म्स एन इमेज मैग्नीफाइड 3 times इसको थोड़ा समझिए क्या बताया गया है विच फॉर्म्स एन इमेज मैग्नीफाइड 3 times वॉट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्वेश्चन को पहले समझिए क्या बताया गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 7 cm फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस मतलब यू का वैल्यू हमें गिवन है कितना 7 cm और यू का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा नेगेटिव होगा क्लियर विच फॉर्म्स एन इमेज मैग्नीफाइड 3 times मतलब जो हमारा एच होता है उससे 3 times ज्यादा है वो क्या होगा हमारा इमेज एचलेस होगा ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ठीक है फिर से समझाता हूं आपको क्या बताया गया है विच फॉर्म्स एन इमेज मैग्नीफाइड 3 times मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 3 times ज्यादा है इमेज जो है इमेज मतलब एचलेस इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 3 times ज्यादा है ओके सो क्या फॉर्मूला मिल रहा है एचलेस इज इक्वल टू 3 times एच व्हाट इज द फोकल लेंथ में फाइंड करना है f. f कहां से फाइंड करेंगे हमारे पास f मिले ऐसा एक ही फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f ओके तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा हमें पहले v फाइंड करना पड़ेगा v कैसे फाइंड करेंगे हमें h टेस और h का वैल्यू गिवन है u का वैल्यू गिवन है तो हम जो फ्रेंड्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे सो m इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है h टेस अपॉन h और सेकेंड फॉर्मूला है m इज इक्वल टू v अपॉन u फॉर लेंसेस तो दोनों का अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा दैट एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू अब एच डैश हमें कितना बताया गया है 3 times एच तो यहां लिखेंगे 3 times एच अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू एच एच कैंसिल हो जाएगा सो 3 इज इक्वल टू वी अपॉन यू अच्छा अब युग यहाँ पे हमें क्या बताया गया है देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस 7 cm फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस विच फॉर्म्स एन इमेज मैग्नीफाइड 3 times ओके तो यू का वैल्यू हमें गिवन है -7 cm तो उसको यहाँ पे रखेंगे सो 3 इज इक्वल टू वी अपॉन -7 सो वी इज इक्वल टू -21 cm अच्छा यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमें वी का वैल्यू जो मिल रहा है नेगेटिव में मिल रहा है ओके अब इससे आगे बढ़ते हैं हमें क्या पूछा गया है हमें वी तो मिल गया अब फाइंड करना है हमें एफ तो एफ कैसे फाइंड करेंगे सो हमारे पास लेंस फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f सो वी कितना हमें गिवन है -21 सो 1/-21 - -1/-7 = 1/f सो 1/-21 + 1/7 = 1/f फ्रेंड्स इसका एलसीएम क्या आएगा ऑब्वियस इसका एलसीएम जो है वो 21 आएगा सो 21 1 7 3 सो -1 + 3 = 1/f सो 2/21 = 1/f देयरफॉर f is equal to 21/2 so f is equal to 10.5 cm okay convex lens hai friends so uska focal length jo kya aayega positive aayega okay to matlab hamara answer jo hai wo right hai
सो नाउ फ्रेंड्स चले देखते हैं एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। पहली बार फ्रेंड्स हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस का एक क्वेश्चन देख रहे हैं। द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज 10 सेंटीमीटर। मतलब हमें ये बताया गया है कि फोकल लेंथ जो है कॉनकेव लेंस का वो कितना है, एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव लेंस जो है फ्रेंड्स उसका एफ क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये हम जानते हैं। ओके, व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमें फाइंड करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी इज इक्वल टू हाउ मच इन ऑर्डर दैट इमेज इज 1/5 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, इमेज इज मतलब एच डैश इज 1/5 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर, ऑब्जेक्ट जो है फ्रेंड्स उसका हाइट होता है h, इमेज का हाइट होता है h डैश। तो हमें क्या बताया गया है, फिर से रीड कीजिए, द इमेज मतलब h डैश इज 1/5 ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो h डैश इज 1/5 h, h डैश इज 1/5 टाइम्स h, हमें ये बताया गया है। और v का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सेकेंड हमें क्या बताया गया है, वेयर इज द इमेज मतलब यू का वैल्यू कितना होगा, ये भी हमें फाइंड करना है। एंड वॉट इज द लेटरल मैग्निफिकेशन मतलब एम का वैल्यू क्या होगा, वो भी हमें फाइंड करना है। क्लियर, तो इतना डेटा जो है वो हमें गिवन है, क्या करेंगे, वी भी नहीं गिवन है, यू भी नहीं गिवन है, एम भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे मैग्निफिकेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, दैट एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। सो एम इज इक्वल टू एच डैश कितना है, 1/5 टाइम्स एच, सो 1/5 टाइम्स एच अपॉन एच, एच एच कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो एम इज इक्वल टू 1/5। ओके, एम तो हमें मिल गया। क्लियर, अब एम का दूसरा भी फॉर्मूला हमारे पास है, एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो यहाँ लिखेंगे 1/5 इज इक्वल टू वी अपॉन यू। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या मिलेगा, यू इज इक्वल टू 5 टाइम्स वी। अब ये जो वैल्यू हमें मिल रहा है उसको हम पुट करेंगे लेंस फार्मूला में। सो लेंस फार्मूला क्या है, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। सो 1/V माइनस यू कितना है, 5V, सो 1/5 टाइम्स वी इज इक्वल टू 1/F का वैल्यू कितना गिवन है, -10, सो -10। अब 5V और वी का एलसीएम क्या आएगा, 5 टाइम्स वी आएगा। वी को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5V आएगा, 5V को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5V आएगा। सो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/-10। सो 5 माइनस 1 इज 4, सो 4 डिवाइड बाय 5V इज इक्वल टू -1/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, -40 इज इक्वल टू 5 टाइम्स वी। सो वी इज इक्वल टू -40 डिवाइड बाय 5, देयरफॉर वी इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। और हमें पता है फ्रेंड्स कि जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है उसका जो इमेज है वो ऑलवेज जिस साइड के ऊपर ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ही मिलता है, सॉरी कॉनकेव लेंस है उसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ही हमें हमारा जो इमेज है वो मिलता है। तो जो इमेज डिस्टेंस होगा ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा कॉनकेव लेंस के केस में। और क्योंकि वो हमें माइनस मिल रहा है तो उसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर जो है वो राइट है। वी मिल गया, यहाँ पे पुट कर दीजिए, सो यू का वैल्यू क्या होगा, 5 टाइम्स -8, सो यू होगा हमारा -40 सेंटीमीटर। देखिए यू का वैल्यू भी हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्लियर, और मैग्निफिकेशन तो हमने यहाँ पे फाइंड कर ही लिया है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा, m इज इक्वल टू 1/5 मिल गया हमें, जो हमें फाइंड करना था। ओके, फिर हमें क्या फाइंड करना था, v तो हमें मिल गया -8 और u हमें मिल गया -40 सेंटीमीटर। क्लियर, सो फ्रेंड्स आई होप आपको लेक्चर में समझ में आया होगा। और अगर फ्रेंड्स आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारा YouTube चैनल अद्वैत अचीवर्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स हम प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, तो आप हमारा एप्लीकेशन अद्वैत अचीवर्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए फ्रेंड्स आप हमारी वेबसाइट advaitachievers.com के ऊपर विजिट भी कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय भारत एंड विद्यार्थी देवो भवः।